मार्च 2003 में एक टाइगर रिजर्व में ऐसी घटना हुई जिसने सबको शॉक कर दिया था। जंगल सफारी कर रहे फॉरेन टूरिस्ट के ग्रुप पर एक टाइग्रेस ने अटैक कर दिया था। सफारी व्हीकल्स पे टाइगर का अटैक करना एक बहुत ही रेयर इंसिडेंट है। तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिसके कारण टाइग्रेस ने ऐसा किया, और क्या हुआ था उस अटैक के दौरान, ये सब देखेंगे हम आज अपने इस वीडियो में। हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स, फॉरेस्ट निंजे के इस चैनल में और इस नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। टाइगर रिजर्व्स में जंगल सफारी करते वक्त एक सवाल कई लोगों के मन में आता है कि क्या टाइगर ओपन जिप्सीज में अटैक नहीं करते। टाइगर के इंसानों पर अटैक करने के केसेस बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन जंगल सफारी के दौरान टाइगर का जिप्सी पर अटैक करना, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ही रेयर होते हैं। लेकिन 29 मार्च 2003 को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें टाइग्रेस ने एक सफारी जिप्सी पे अटैक किया था। उस जिप्सी में जो गाइड गए थे, आज हम उनसे जानेंगे उस दिन की पूरी घटना के बारे में। टाइग्रेस की महिला बहुत बड़ी टाइग्रेस थी, उसको दूर चार्ज में देखते थे, कहते थे मेल, और भयंकर चार्ज करती थी गाड़ी पे, भयंकर चार्ज करती। मोहिनी नाम का। कब की बात है ये? 2003 की बात। इंद्रेश यादव बांधवगढ़ के पुराने गाइड्स में से एक हैं, जो 20-25 सालों से बांधवगढ़ में काम कर रहे हैं। 29 मार्च 2003 की उस घटना के दिन इंद्रेश जी उसी जिप्सी में एज अ गाइड गए हुए थे, और उनके ही व्हीकल में टाइग्रेस ने अटैक किया था। इस इंसिडेंट के बारे में जानने से पहले हम उस टाइग्रेस का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं जिसने जिप्सी पे अटैक किया था। वो टाइग्रेस इतनी हैवी थी, मोहनी नाम था, गजब के उसका आज के जब उसके मरने के बाद कम से कम 4-5 टाइग्रेस एरिया बनाई। वो तो मेल टाइगर की तरह जैसे एरिया बना के रखी थी, 25-50 स्क्वायर किलोमीटर की, 60-70 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया बना के रखी। शुरू से ही वो इतनी खतरनाक। हाँ, शुरू से। वो चार्जर की बेटी थी, चार्जर बाप की तरह। चार्जर की बेटी थी। मोहिनी एक फेमस और बोल्ड टाइग्रेस थी बांधवगढ़ की, जो किसी मेल टाइगर से कम नहीं थी। देखने में ये भी मेल टाइगर जैसे ही थी, बड़ी साइज और थोड़ा एग्रेसिव नेचर। मेल टाइगर्स की तरह इसकी भी टेरिटरी 50 से 70 स्क्वायर किलोमीटर की थी, जो कि बहुत रेयर है। जनरली टाइग्रेस की टेरिटरी 20-25 स्क्वायर किलोमीटर की होती है। मोहिनी बेटी थी टाइगर चार्जर की, और अपने फादर की तरह इसकी भी आदत थी जिप्सीज पे मॉक चार्ज करने की। अगर आप चार्जर के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि बांधवगढ़ का एक बहुत फेमस टाइगर था चार्जर। उसकी आदत थी जिप्सीज पे चार्ज करने के लिए, जिस कारण से उसका नाम चार्जर पड़ गया। बांधवगढ़ के मगदी जोन में आपको चार्जर पॉइंट नाम से एक जगह मिलेगी, जहाँ टाइगर चार्जर की समाधि है। तो चलिए अब देखते हैं उस दिन की पूरी घटना। ये घटना है 29 मार्च 2003 की। उस दिन चार फॉरेन टूरिस्ट बांधवगढ़ नेशनल पार्क की मॉर्निंग सफारी के लिए गए थे। चार फॉरेन टूरिस्ट के साथ एक जिप्सी ड्राइवर, एक स्काउट और गाइड थे इंद्रेश यादव। ये सात लोग एक जिप्सी में थे और मॉर्निंग सफारी कर रहे थे। लगभग सुबह के 7 बजे एक लोकेशन पर 5 जिप्सीज एक लाइन से खड़े हुए थे टाइगर साइटिंग के लिए। इसमें लास्ट में थी वो जिप्सी जिसमें चार फॉरेन टूरिस्ट और इंद्रेश यादव थे। लास्ट जिप्सी के पीछे टाइग्रेस मोहिनी अचानक से रोड पे आती हुई दिखी। जिप्सी के पीछे पहुंच के उसने जोर से ग्राउल किया और फिर वापस चली गई। मोहिनी के नाक और मुंह से खून बह रहा था, और उसका ये बिहेवियर बिल्कुल अलग था। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, टाइग्रेस मोहिनी वापस मुड़ के आई और जिप्सी के साइड से होते हुए ड्राइवर साइड पे पहुंच गई। अचानक उसने जंप किया और जिप्सी के अंदर आ गई। उसने दो फॉरेन टूरिस्ट को अपने नीचे दबा लिया और बाकी दो टूरिस्ट नीचे उतर गए। जिप्सी ड्राइवर और स्काउट जो आगे बैठे थे वो भी उतर कर भाग गए। अब जिप्सी के अंदर सिर्फ 3 लोग थे, दो फॉरेन टूरिस्ट जिनको टाइग्रेस ने घेरा हुआ था, और इंद्रेश यादव जिनका पैर टाइग्रेस के नीचे फंस गया था। दूसरी जिप्सी में बैठे हुए एक लोकल टूर ऑर्गेनाइजर ने
इस जिप्सी के पास आकर टाइगर को डंडा मारना स्टार्ट किया। डंडा टूट गया और टाइग्रेस ने गुस्से में आकर जिप्सी से उतरकर उन टूर ऑर्गेनाइजर को अपने नीचे दबा लिया। टूर ऑर्गेनाइजर के हाथ में टूटा हुआ डंडा था जो उन्होंने टाइगर की गर्दन पर मार दिया। इससे टाइगर ने इन्हें छोड़ दिया और वापस चली गई। कपल में से एक लेडीज को नाखून लग गया था, पूरा मांस निकल गया था अंगूठे का। अरे बाप रे। और दोनों फानों को बहुत ज्यादा घायल कर दी। और टाइगर चंद मिनटों की इस घटना ने सबको डरा दिया था। फॉर्चुनेटली इस अटैक में किसी की डेथ नहीं हुई। वो दोनों फॉरेन टूरिस्ट जो टाइग्रेस के नीचे थे, उन्हें इंजरीज और काफी स्टिचेस लगे। इंद्रेश यादव के पैर पे भी चोट लगी। इसके बाद वो टाइग्रेस कभी दिखी नहीं, शायद मर गई हो, लेकिन उसकी बॉडी भी किसी को मिली नहीं। ये एक बहुत रेयर घटना थी और शायद ही ऐसे केसेस हुए होंगे किसी भी टाइगर रिजर्व में। तो क्या रीजन था टाइग्रेस मोहिनी के ऐसे बिहेवियर का? उस टाइम पे उसका किसी टाइगर के साथ फाइटिंग हुआ था, उसका जो इंजर्ड हो गई थी, उसका जो नाक और मुंह से खून निकल रहा था, काम नहीं कर रहा था। मतलब टाइगर किसी फाइट में घायल थी। हाँ। इस कारण से वो आक्रामक हो गई थी। हाँ। और उसने फिर जो टूरिस्ट थे उन पे अटैक किया। जैसे कि इंद्रेश जी ने बताया कि इस इंसिडेंट के एक या दो दिन पहले मोहिनी की किसी दूसरे टाइगर से फाइट हुई थी जिसमें वो काफ़ी इंजर्ड हो गई थी, और शायद इसी इंजरी के कारण मोहिनी ने ऐसा अटैक किया। बाद में ये भी पता चला कि इस इंसिडेंट के एक रात पहले मोहिनी ने फॉरेस्ट के अंदर बने हुए पेट्रोलिंग क्वार्टर्स में रह रहे पेट्रोलिंग स्टाफ को बहुत परेशान किया था, जैसे दरवाजे पे नाखून मारना, बोर्ड को काटने की कोशिश करना वगैरह। टाइग्रेस मोहिनी का ये बिहेवियर बहुत अनयूजुअल था और चांसेस हैं कि उसकी इंजरी के कारण ही ऐसा हुआ हो। चूंकि उसकी बॉडी नहीं मिली थी तो ये जांच हो नहीं पाई कि आखिर उसको इंजरी के कारण क्या हुआ था। बांधवगढ़ में इकलौती ऐसी घटना हो गई जब किसी बहुत इकलौती ऐसा कभी ऐसा होता नहीं। जनरली टाइगर जिप्सी पे कभी अटैक नहीं करते। टाइगर इससे सीधा प्राणी कोई है ही नहीं है, उसको उसके साथ भी के साथ रहेंगे तो कुछ नहीं। इंद्रेश जी का मानना है कि टाइगर बहुत ही शांत जानवर होता है, अगर उसे उकसाया ना जाए तो वो कभी किसी पे अटैक नहीं करता। इंद्रेश जी ने ऐसे काफ़ी केसेस देखे हैं जिसमें एलिफेंट सफारी के दौरान लोग नीचे गिर गए हों लेकिन टाइगर ने उन पे अटैक नहीं किया। इस पूरी घटना से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टाइगर्स का जिप्सीज में अटैक करना बहुत ही रेयर इवेंट है, और इसका कारण है टाइगर्स का परसेप्शन। टाइगर या लायन सफारी व्हीकल्स को एक बड़े जानवर जैसा समझते हैं, और चूंकि ये जानवर उनसे साइज में बहुत बड़े होते हैं जैसे हाथी, इसलिए वो इन व्हीकल्स को अपना टारगेट नहीं बनाते। इसलिए सफारी करते हुए हमें जिप्सी से उतरने की परमिशन नहीं होती। अगर हम जिप्सी का पार्ट नहीं है तो टाइगर के लिए हम एक अलग जानवर दिखेंगे जो छोटी साइज का है और उसको आराम से अटैक किया जा सकता है। अगर सफारी व्हीकल पे टाइगर अटैक के केसेस कभी होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, जैसा इस केस में हमने देखा कि इंजर्ड होने के कारण टाइग्रेस ने ऐसा किया। पर्सनली तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग थी टाइगर बिहेवियर के बारे में, और उम्मीद करते हैं आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अपने नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के साथ हम जल्दी मिलेंगे आपसे। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल फॉरेस्ट निंजा से।